तुम तो अच्छे लोग। So hello guys, welcome back to Khabri and we are back with another film review jiska naam hai Monica, oh my darling. Acha, humko sikha rahi hai. So jaisa ki aap sab log jante hain ki Monica, oh my darling aayi hai Netflix pe. Kal hum logon ne wo film dekhi और हमने सोचा कि उसके ऊपर आपको एक बेहतरीन रिव्यू देते हैं। जैसा कि पिछली बार हुआ था कि हमने दृश्यम का रिव्यू दिया था, दृश्यम 2 का। दृश्यम जो है वो एक जापानीज नॉवल है, द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स, उसका कहीं ना कहीं अडेप्टेशन माना जाता है, भले डायरेक्टर ना माने, उसी राइटर का जिन्होंने वो डिवोशन वाली बुक लिखी है उनकी एक दूसरी बुक पे मोनिका ओ माई डार्लिंग बेस्ड है। अब मोनिका ओ माई डार्लिंग के साथ एक खास बात यह कि फिल्म स्टार्ट होती है, अब फिल्म के स्टार्ट में ही एक मर्डर सीन दिखाया जाता है। अगेन बीच में ना बोल, कोई स्पॉइलर नहीं मिलेगा आपको। स्पॉइलर बिल्कुल नहीं देने वाले हम, बस एक मेन तथ्य बताने वाले हैं आपको। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। अब फिल्म स्टार्ट ही होती है एक मर्डर सीन से। अब लेकिन इस मर्डर सीन के साथ एक खास बात यह है कि इसका कोई इंसान मर्डर नहीं करता, एक रोबोट मर्डर करता है। तो यहाँ से फिल्म अपने आप में खास हो जाती है कि यार एक रोबोट कैसे मर्डर कर सकता है, या एक रोबोट मर्डर क्यों करता है, या कोई उसको ऑपरेट कर रहा है, या उसका कुछ फंक्शनिंग में गड़बड़ हो गया। यहाँ से फिल्म थोड़ी इर्द गिर्द घूमती है कि यार अब लोग पता करते हैं यार कैसे। इसके बाद एक ब्रेक आके आफ्टर 7 ईयर्स में जाती कहानी। उसके बीच में एक जो गाना उन्होंने दिखाया है जिसमें मोनिका को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो बहुत ही रेट्रो फील है उसका। आपको ऐसा लगेगा कि जानबूझ के उन्होंने उस फिल्मांकन जो किया है उन्होंने, वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा रस्टिक है। जैसे आप क्वारंटीन टेरेंटिनो की फिल्में देखेंगे, कई बार वो जानबूझ के अपनी फिल्मों में ऐसे सीन देखते हैं कि लगता है कि यार ये थोड़ी सी ना 1970s का एक फील आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कहीं ना कहीं जो ओपनिंग गाना है वो अपने आप में आता है, एक इंट्रिगिंग चीज सी देता है और एक रेट्रो फील देता है। देखिए फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन इस फिल्म के साथ खास बात यह है कि बिल्कुल भी डार्क नहीं है, थोड़ा कॉमिक में है और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आपको कभी भी कहीं फील नहीं होगा कि यार ये फिल्म ना देखने लायक नहीं है, मतलब आप इसको डर के देखेंगे या कुछ। बहुत हैप्पी फिल्म जाती है, स्टोरी लेवल पे अच्छी है। मतलब जो स्टोरी, अगर आप स्टोरी, केवल स्टोरी को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कहानी अच्छी है, लेकिन ये फिल्म फेल कहाँ होती है, स्क्रीन प्ले में। मजा नहीं आ रहा है। देखिए मैं ये कहूंगा कि स्टोरी है, जैसा कि सर ने कहा कि स्टोरी एक्चुअली बहुत अच्छी है, बहुत शानदार स्टोरी है और इसको बहुत अच्छे से बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हमको लगता है कि यार फिल्म फेल हो गई इसके स्क्रीन प्ले में और डायरेक्शन में। थोड़ा सा डायरेक्शन वीक है, बेटर स्क्रीन प्ले हो सकता था और बेटर डायरेक्शन हो सकता था। अगर ये चीज़ हो जाती तो ये फिल्म बहुत अच्छी बन सकती थी। अगर आप जब उसके टाइटल्स देखेंगे तो श्रीराम राघवन को उन्होंने थैंक्स कहा है। श्रीराम राघवन वो व्यक्ति है जिन्होंने अंधाधुन जैसी फिल्में बनाई है। भाई उनसे बनवा लेते ना यार तो आग लगा देते, वो आग लगा देता भाई। अंधाधुन जो बनाई है भाई बन जाती मोनिका ओ माई डार्लिंग कल्ट क्लासिक बन जाती। अब इससे समझ में आता है शायद ये कारण था, ये फिल्म टॉकीज में रिलीज नहीं हुई और डायरेक्टली OTT पे आई, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लगा होगा यार कहीं ना मजा नहीं कर गए यार, कुछ तो मिस हो गया। और मैं एक चीज और बताता हूँ सर, जो भी कोई फिल्म बनाता है उसको पता होता है कि हमारी फिल्म किस लेवल की है, किस लेवल पे ये बिजनेस कर सकती है, किस लेवल पे इसको जाना चाहिए। तो दैट इज वो लोग कॉल लेते हैं कि यार हमें कहाँ जाना चाहिए, थिएटर्स में जाना चाहिए, OTT पे रिलीज करना थोड़ा सेफ हो गया। आपको मालूम है यार फिल्म नहीं चलेगी, शायद उससे अच्छा 20-50 करोड़ रुपए यहाँ मिल जाएगा। कई फिल्में ऐसी हैं जो OTT पे इसलिए रिलीज हो रही है क्योंकि उनको थिएटर में अब शायद लोग नहीं देखेंगे, नहीं चांस लेने का भी उनको डर लगता है यार। हाँ। यहाँ पे अपन ने रिलीज कर दी, कोई नहीं आया, तो कई लोग मतलब अच्छा OTT वाले भी स्मार्ट हो गए, अब वो कह रहे हैं कि देखो भाई प्रमोशन आप ही को करना है, अब हम नहीं करेंगे। मोनिका ओ माई डार्लिंग का बहुत ज्यादा प्रमोशन हुआ भी नहीं है। और अब आते हैं अपन मेन स्टोरी पे कि भाई ये तो हो गई सारी की बातें कि भाई क्या है क्या नहीं है, बट मेन चीज ये है कि कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, एक जन का मर्डर होता है फिर मर्डर पे मर्डर होते जाते हैं। अब इसमें जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगी कि इसमें कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने ईज के हिसाब से चीज़ें चलती जाती है। जैसे आपको किसी को बचाना है, आपने उसको बचाने के लिए एक ऐसा इवेंट तैयार कर दिया जो कि प्रैक्टिकली शायद थोड़ा लॉजिकल वे में हो सकता था, बट थोड़ा इलॉजिकल वे में उन्होंने डाल दिया जस्ट बिकॉज उसको सेव करना था। जैसे दृश्यम 2 में या दृश्यम में था कि हर चीज़ का एक लॉजिक था, लग रहा था कि हाँ एक प्री प्लानिंग है, यहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार राइटर ने कहा चलो ऐसा कर लेते हैं। तीन लोग मिल रहे हैं, हाँ। तीनों के बैकग्राउंड एक दूसरे को मालूम, कैसे मालूम है कैसे मालूम है भाई, या एक मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन एक व्यक्ति
के मर्डर की कोशिश होती है, उस टाइम तक उस आदमी का मर्डर करने की किलर को कोई जरूरत नहीं थी, बाद में भले वो जरूरत पैदा हुई थी। तुम्हें कैसे मालूम कल ये प्रॉब्लम आने वाला है? डेफिनेटली। और फिर वो लोग एक प्लान करते हैं, वो प्लान भी उनके प्लान के हिसाब से जाता है। यार ऐसा होता नहीं है भाई, हर चीज में प्रॉब्लम्स भाई। मैंने हम हमेशा कहते हैं, हम लोग खुद फिल्म मेकर्स हैं, हम लोग कहते हैं कोई भी कहानी विदाउट कन्फ्लिक्ट नहीं होती। इसमें कन्फ्लिक्ट है, लेकिन हर एक सीन में अगर आप कोई एक नया इंसिडेंट लाने वाले हो उसमें भी एक कन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी है, जो कि इसमें मिसिंग था। देखिए ओवरऑल एक्टिंग की बात करी जाए, राजकुमार राव अपने आप में बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। इनफैक्ट सबसे जो मैं सरप्राइज्ड हूँ किसी की एक्टिंग को लेके, वो हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी ने अपना काम बहुत अच्छा किया है। देखिए सिकंदर खेर भाई साहब, सिकंदर खेर का एक डायलॉग मेरे को बड़ा अच्छा लगा, उनके फादर साहब आते हैं और ऐसे उनके हाथ ऐसे रखते हैं, उनको क्या एक बड़ी पोस्ट की उम्मीद रहती है सिकंदर खेर को, उनके फादर देते नहीं है, तो सिकंदर खेर कहते हैं कि बाप का हाथ सर पे होना चाहिए कंधे पे नहीं, यानी आशीर्वाद दो है ना, हमको कंसोल मत करो कि यार नहीं मिला हम हैं तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं। ये दैट वाज अमेजिंग डायलॉग। तो ओवरऑल एक्टिंग परफॉर्मेंसेस में देखा जाए तो राजकुमार राव, सिकंदर खेर और हुमा कुरैशी, तीनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। और राधिका आप्टे के बारे में क्या कहना, उन्होंने एक बहुत अलग सा कैरेक्टर अपनाया है, उनका भी कैरेक्टर बहुत अच्छा था। ओवरऑल एक्टिंग सबने अच्छी करी, हमें बस लगता है कि ये स्टोरी थोड़ी सी बेटर कहाँ हो सकती थी। डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले अगर अच्छा हो जाता तो ये कहानी बहुत अच्छी होती और शायद आप लोग इसको थिएटर्स में देख सकते थे, ऐसा हमको लगता है कि। बट इवन नेटफ्लिक्स का अगर पासवर्ड है, फ्री वाला भी है, तो एक बार आप देख सकते हैं। देखिए बुराई नहीं है, अगर एक अगर आपको फिल्म्स देखने का शौक है, सस्पेंस फिल्म है, ह्यूमर फिल्म है, ह्यूमर फिल्म है, आपको देखने का शौक है तो आप बिल्कुल इस फिल्म को देखें और थोड़ा सा ठंडे दिमाग से देखें, बिकॉज हर पल कुछ ना कुछ बदलता जा रहा है। ऐसी फिल्म जिसके लिए कहेंगे यार ये तो देखनी बहुत जरूरी है, ऐसी भी नहीं कि कहेंगे यार क्यों देख ली, इट इज समवेयर इन बिटवीन, इट इज समवेयर इन बिटवीन। हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि कहानी अच्छी थी, उस तरीके से वो फिल्मांकन नहीं हो पाया, दैट इज व्हाई हम डिसअपॉइंटेड है। बाकी ओवरऑल हम कहेंगे कि आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर किसी फिल्म का रिव्यू आप चाहते हैं हम लोग करें तो प्लीज हमारे अवेलेबल है आपके, प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कोई पुराना फिल्म, कोई इंग्लिश फिल्म जो रिलीज नहीं हुआ वाला फिल्म। वो भी हम कर लेंगे, वो भी हम देख के कर देंगे, हम बना के कर देंगे, लेकिन हम कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पे नजर।